हाँ तो भाई क्या है सबके सब भाई, एक और वीडियो में लेके आ गया हूँ वॉरजोन मोबाइल की, जिसमें एक न्यू अब जो है इवेंट स्टार्ट हो चुका है और कल जो है हमारा क्लैश मोड खत्म हो चुका है और तुम्हारे भाई ने कर दिया भाई तहलका, क्योंकि मैंने 34 कैमोज ग्राइंड करे हैं सिर्फ 5 दिन के अंदर। और मैं तुम लोग को वीडियोस बना बना के स्टेप बताया था, अगर किसी ने फॉलो किया है तो वो भी हो सकता है ग्राइंड कर चुका हो। तो मैंने 34 जो है कैमोज ग्राइंड करे। सो अब जो है इस वीक आ चुका है एक और न्यू इवेंट जिसका नाम है ड्यूअल एट डॉन। सो ड्यूअल एट डॉन एक न्यू इवेंट आ चुका है, थर्ड इवेंट है ये। इसके बाद एक और इवेंट रह जाएगा इस वाले बेस कैंप रिवॉर्ड्स को भी जाने के लिए। सो ये इवेंट भी है 7 डेज का और जो है इसके अंदर है आपको मिशन इन्फो में लेके चलते हैं। सो मिशन इन्फो में आपको आ जाते हैं सबसे पहले कि क्या करना है इस बारी। सो जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो पिछले वाला मोड आया था क्लैश मोड उससे पहले आपको आया था जिसमें आपको कोई भी जो है बीआर का मोड आप खेल सकते थे और आपको पॉइंट्स मिलते थे। तो सेम इसमें भी आप कोई भी बीआर का मोड खेलो, चाहे वो रिसर्जेंस हो, डुओस हो, ट्रिएट्स हो, क्वाड्स हो, या 20 मिनट्स हो, 10 मिनट्स हो, 5 मिनट्स हो, 15 मिनट्स हो, कोई भी खेलो आपको जो है इसमें एमपी पॉइंट्स मिलेंगे। और जो है इसमें आपको मिल जाएंगे 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स। पहला है मोस्ट वांटेड, जिसको आप मार्क करते हो तो आप जो है पूरे मैप में शो होते हो और लोग आपकी तरफ आके आपको मारते हैं क्योंकि आप मोस्ट वांटेड हो जाते हो। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट रिकॉन, रिकॉन में जैसे आप उसको क्या कहते हैं, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो आपको किसी एरिया में जाके एक सिक्योर करना होता है फ्लैग जो मशीन लगी होती है, सो वो है रिकॉन। और थर्ड आता है स्कैवेंजर, जिसमें आपको आप जैसे उसको एक्टिवेट करते हो तो आपको फाइंड करना होता है। अब आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक और जो इसके अंदर आता है बाउंटी। सो इसमें दे नहीं रखा बाउंटी कॉन्ट्रैक्ट भी, बट जैसे ही मैंने कल बाउंटी वाला सिलेक्ट किया था और उसको मैंने कंप्लीट किया तो बाउंटी वाला भी उसके अंदर जो है काउंट हो रहा है एमपी पॉइंट्स के अंदर। मुझे पता नहीं एक बग है या ग्लिच है ये क्या है, बट बाउंटी वही वाला है कि जिसमें आप जब किसी को आप जब उसको कॉन्ट्रैक्ट को लेते हो तो आपको मार्क करता है एक बंदे को मारने के लिए, और इसमें तो वो शो कहीं भी नहीं कर रखा कि कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करना है, बट मेरे को पॉइंट्स मिले हैं और कल रात से मैं ढेर सारी गेम्स खेल चुका हूं, तो मुझे पॉइंट्स मिले हैं। तो पता नहीं ये कैसे हो रहा है, शायद बग होगा, ग्लिच होगा, बट इससे पहले कि वो ठीक कर दें आप लोग भी पॉइंट्स ले सकते हो। उसके अलावा सेम एलिमिनेशन असिस्ट, हेडशॉट, डबल किल, किल स्ट्रीक आपको सब पहले से पता ही है। और इसके बाद आ जाते हैं हम बेस कैंप के अंदर। बेस कैंप के अंदर अभी तक जो है मेरे पास 8 कॉइंस बचे हुए हैं। इससे पहले मैं जो है एक जो स्नाइपर राइफल है और जो है उसके बाद एक जो है कार हेलीकॉप्टर की स्किन थी, वो मैं 2 चीज़ें ले चुका हूँ। तो आपको मैं एक बार एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमेशा जो है बेस कैंप के कॉइन्स जो है वो 4 हफ्ते के पीरियड में इतने देंगे कि आप जो है बेस कैंप के अंदर की सारी चीज़ें खरीद सको। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि मुझे लगा था यार तो मिस कर जाऊँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। चारों इवेंट जब हुए उसके बाद मेरा पूरा बेस कैंप खाली था। सो मैं अभी तो इस बार सेव करूँगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं करेक्टर ले सकूँ, और उसके बाद वाले में अगर कुछ बचा तो मैं जो ये बेसिलिस गोल्डन पोनी स्टिकर और ये प्लेयर कार्ड भी लूँगा। सो इस वीडियो में यही मैं आपको बताना था कि क्या क्या इसके मिशन रिवॉर्ड्स हैं, बेस कैंप का क्या हाल चल रहा है। सो इस वाले इवेंट के बाद सिर्फ एक और इवेंट रह जाएगा, उसके बाद हमारा न्यू सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। और एक अपडेट आया वॉरजोन मोबाइल की तरफ से कि शायद जो है FOV चेंज करने वाला और जो है ग्राफिक्स बेटरमेंट या ग्राफिक्स सेटिंग्स भी शायद ओपन हो सकती हैं, शायद, मेरे को लगता नहीं होगी, बट चलो अगर उन्होंने बोला है कि थोड़ी चेंजेस आएंगे तो होपफुली। अब इतना पास आ चुका है, जून आ चुका है और रिलीज इस टाइम तक होना चाहिए था जो नहीं हुआ, डिले हो गया। मॉडर्न वॉरफेयर 3 के साथ होगा, ये भी आपको थोड़ा बताया। तो अगर आप लोग सोचोगे कि सितंबर अक्टूबर तक हो रहा, नहीं, जो मॉडर्न वॉरफेयर 3 लॉन्च होता है हमेशा जो नवंबर दिसंबर के टाइम पे, जैसे जब भी कॉल ऑफ ड्यूटी के टाइटल्स लॉन्च होते हैं तभी वॉरजोन मोबाइल का लॉन्च है, अब तक यही माना जा रहा है। सो बस यही है, वेट करो तब तक आप गेम्स खेलो, ग्राइंड करो, कैमोज वगैरह आपको मैंने स्टेप्स बताए थे उस तरीके से, आप जिस तरीके मैंने स्टेप्स आपको क्लैश मोड में बताए हैं आप दूसरे मोड से भी कर सकते हो ताकि आप लोग को ग्राइंड करने में हेल्प हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय।